सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहने वाले हैं। सो गाइज, आज की जो वीडियो भाई बहुत ही फंटेस्टिक होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और भाई आज हम नॉलेज देने के साथ साथ मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ कि भाई चारों तरफ फोग ही फोग और कुछ ऐसा व्यू है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भाई आज की वीडियो है वो होने वाली है एवरेज के ऊपर, कि थर्ड सर्विस के बाद अपनी बाइक की एवरेज क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई सीन ऐसा रहता है ना कि अगर हम पहाड़ में जब एवरेज मापते हैं ना, तो उसका ये सीन रहता है कि ऐसे नहीं कर सकते कि भाई फ्यूल को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, फिर उसमें एक जैसे मैंने बोतल पहले ही ले रखी है। पिछली वीडियो में भाई एवरेज के चक्कर में बनाने के चक्कर में बोतल ही नहीं मिल रही थी, तो मैं बोतल अपनी लेके आया हूँ। और ऐसा रहता है ना पहाड़ में कि भाई पेट्रोल पम्प काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो फिर मुश्किल होता है पेट्रोल पम्प मिलना। तो अभी हम जो एवरेज मापेंगे, जैसे मैंने पहले सारी वीडियो में आपको एवरेज निकाली थी, तो फ्यूल एकदम से टैंक खाली किया था, फिर एक लीटर इंस्टॉल करके फिर चलाई थी, कितना होता है, ठीक है। तो इसमें मैं वैसे नहीं करने वाला हूँ, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई पेट्रोल पम्प देखेंगे और वहाँ पर जाके फ्यूल को बिल्कुल ऊपर तक फुल करेंगे, और फुल करने के बाद हम चलाएँगे। चलाने के बाद जब तक फिर इसमें एक लीटर और ऑयल ले लेंगे, और फिर जब तक इसमें हम ये एक लीटर की बोतल इसमें नहीं लग जाती, तो तब तक हम बाइक को चलाते रहेंगे और देखेंगे कि भाई कितना इन पहाड़ों में अपनी ड्यूक 200 BS6 थर्ड सर्विस के बाद एवरेज निकालती है। सो चलते हैं, और साथ साथ में आज मोटो ब्लॉकिंग करेंगे और भाई वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइज़, तो भाई आप देख सकते हैं कि हिमाचल में जब बरसात के दिन होते हैं ना, तो मौसम देखो यार, मतलब चारों तरफ फोग ही फोग, इतना ठंडा मौसम हो रखा है ना। और भाई देखो हाफ टी शर्ट पहनी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं पंजाब की तरफ, तो वहाँ पे होगी भाई खूब गर्मी, क्योंकि मैंने फ्रेंड को कॉल करके पूछा था कि भाई गर्मी कैसी, तो बोलते भाई मतलब तवाई तवाई मच रही है पंजाब में। और हिमाचल में देखो भाई ठंडी ठंडी वादियाँ, फोग, ऐसे लग रहा है फ्रिज में बैठे हैं यार, ठंड लग रही है मतलब। सो गाइस देखो, मतलब यहाँ पे ये सीन रहता है ना कि यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी फोग नहीं है, अच्छा मौसम है। और आप थोड़ा सा मतलब एक किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर आगे जाएंगे तो देखो फोग, मतलब ऐसे बरसात का मौसम रहता भाई, किलोमीटर पीछे धूप, किलोमीटर आगे बारिश। तो भाई अपना प्रबंध परफेक्ट करके आए अगर बरसात में पहाड़ों में घूमने का कोई प्लानिंग कर रहा है तो। देखो भाई मतलब मौसम पूरा ज़बरदस्त हो रहा है। अब जैसे जैसे हम पहाड़ से भाई नीचे जा रहे हैं ना, तो फोग हटती जा रही है, देखो यार। और फिर से देखो भाई फोग स्टार्ट हो गई है और फिर से ठंड लगने लगी है। अभी तक हम इसका मतलब है पहाड़ों में ही हैं। सो आराम से ड्राइव करेंगे यार, क्योंकि अभी जो है मणि महेश का सीन चला है, भोले शंकर का, तो वहाँ के लिए भी बहुत काफ़ी ट्रैफिक होती है इस रास्ते। सो रास्ता भी कंजस्टेड है, सो सेफ ड्राइव करेंगे यार। ये देखो भाई एकदम से मतलब आगे से सरप्राइज मिल जाता है कि आगे से गाड़ी आ रही है, सो हॉर्न का यूज कर ही लें। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यार, मतलब ऐसे फोग में ना चलने का मज़ा ही अलग है। बस रास्ता क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में पता नहीं चलता यार कि कब आपका बारिश लग पड़ती है, कब ऊपर से पत्थर आ जाता है, स्लाइडिंग हो जाती है, तो चलने में थोड़ा दिक्कत होता है। सो देखो यार मतलब रोड कितना सा दिख रहा है आगे, ज़रा सा, इतनी तीखी फोग पड़ी है यहाँ पर। तो सर हम आराम से ड्राइव करेंगे। We'll be right back.
1 किलोमीटर, मतलब कि भाई फोग का सीन कम ही रहा है अब। ये देखो, मतलब पीछे देखें आप तो भाई इतनी तीखी फोग थी, जिसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा भी आगे मतलब सड़क देखने में दिक्कत आ रही थी, पर अब देखो मतलब एक मोड़ के बाद फिर से पूरा मौसम चकास क्लीन, खतरनाक सीन है यार। सो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने बताया था ना ऊपर की, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे भाई फोग एकदम से हटती जाएगी, तो ऑलमोस्ट हम मतलब फोग से निकल चुके हैं। सो गाइस तो अभी हम भाई उस सिटी में तो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे तो भाई पेट्रोल पंप मिलना चाहिए यार, मतलब 30-35 किलोमीटर ट्रैवल किया, पेट्रोल पंप कहीं भी नहीं मिला, तो यहाँ पे शायद फ्यूल मिल जाए कहीं, देखना पड़ना ध्यान से, तो देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है और हम अपना टैंक फुल करवाएंगे यहाँ पे। वो रहा भाई पेट्रोल पंप, आखिरकार हमें पेट्रोल पंप मिल ही गया। सो ये रहा पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे भाई फ्यूल मिल गया हमको, सो यहाँ पे फ्यूल फुल करवा लेते हैं। सो गाइस तो फिलहाल तो टैंक फुल ही था, पर हम इसको ऊपर तक फुल करेंगे कि कितना फ्यूल लगता है। ऊपर ऊपर कर लो ना भाई, ऊपर इधर तक आने देना, ये चूड़ी नहीं है ये जो है, इधर तक आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। सो गाइस तो देख लो भाई, 1 लीटर हमने इसमें ऑयल ले लिया है, और ये जो फ्यूल टैंक मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये जो गैप दिख रहा है भाई, देखो यहाँ तक जो है हमने फ्यूल मतलब फुल कर दिया है। अब हम चलाएंगे अंदाजे से 25-27 किलोमीटर चलाएंगे, फिर उसके बाद इस बोतल को डालेंगे कि यहाँ तक फिर से भर जाना चाहिए, ठीक है, उतनी बाइक चलाएंगे और फिर देखेंगे कि कितनी एवरेज जो है इन पहाड़ों में बाइक की 50-60 की स्पीड पे निकलने वाली है। सो चलते हैं। सो गाइस तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई कितनी एवरेज देती है बाइक। तो किलोमीटर दिखा दूँ आपको, 6924, मतलब इतना किलोमीटर पे हमने टैंक को फुल किया है, और अब चलाएंगे कितने किलोमीटर के बाद इसमें 1 लीटर ऑयल जो है उतने ही जितना मैंने आपको बताया तो उतना ही फिर से इसमें भरता है, तो फिर देखते हैं कि एवरेज क्या निकलने वाली है। तो अभी हम इसकी जो है भाई स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि कितना, 6924 इतना किलोमीटर पे हमने फुल करवाया है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस तो मतलब आपको दिखा दूँ कि भाई अपनी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 40 से लेके 60, लास्ट 70 तक, 70 नहीं 60-65 तक रहेगी। तो ये जो पहाड़ों में कितनी एवरेज निकालती है वो हम अब चेक करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू भाई मतलब बने रहें, अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑल प्रेस करें, ताकि जब नई वीडियो की अपडेट डालता हूँ ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन भाई आपको पहुँचनी चाहिए।
भाई रास्ता मतलब पूरा मस्त वाला है। लीन करने में बाइक में इतना मजा आ रहा है ना कि पूछो मत। बिल्कुल पूरा नीट एंड क्लीन रास्ता, और भाई लीनिंग इतनी प्यारी हो रही है ना कि पूरा 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, मजा आ रहा है पूरा राइड करने में। वाह यार ऐसे रास्ते हो भाई, फिर तो मजा ही आ गया। पीछे था यार भाई इतना कंजेस्टेड था, चलते भी डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। देखो भाई पूरा मस्त, ये देखो ये कर्व है, इसको लीन करेंगे भाई पूरा, मतलब 50 की स्पीड में लीन कर रहे हैं भाई, बाइक पूरा मतलब पूरी जम के चली है। ये खासियत है भाई ड्यूक KTM में कि मतलब आप ना स्पीड में बाइक लीन में मतलब इन चीज़ों में बाइक आपको धोखा नहीं दे सकती। अगर आपकी ड्राइविंग परफेक्ट है ना फिर तो भाई ना ही पूछो आप, पूरा मज़ा आता है। भाई मतलब देखो यार 50-60 की स्पीड में भी भाई इतनी प्यारी लीनिंग हो रही है ना यार। देखो बस भाई लीनिंग के टाइम ना ये कीचड़ और पानी का ध्यान रखे यार, अगर आप आगे कीचड़ है पानी है तो वहाँ पे अगर आप लीन करेंगे ना भाई मतलब रिस्की हो सकता है। देख लें कि भाई साफ रोड है, क्लीन रोड है, बीच में पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, तभी लीन करें भाई, तभी आपकी लीनिंग जो है सेफ रहने वाली है। अदरवाइज यार रिस्की भी रह सकती है लीनिंग करना। ये देखें जैसे ये है ना भाई, ऐसे पे अगर आप लीन करेंगे तो डेफिनेटली गिरेंगे, और ऐसे पे भी करेंगे ये पानी फिर भी स्किड मारती है। आपको लीन करनी है भाई ऐसे सूखा मतलब बिल्कुल साफ क्लीन रोड, तभी आप मतलब सेफ रह पाएंगे। सो गाइज तो हमने भाई बाइक मतलब कोई 30-32 के करीब बाइक को चला लिया है, और स्पीड यही थी अपनी 60-65-70 के बीच। और अब हम फ्यूल टैंक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई 1 लीटर फ्यूल लगने की कैपेसिटी है या नहीं। तो भाई मेरे को नहीं लग रहा कि 1 लीटर फ्यूल जो है इसमें लग जाएगा, शायद ही लगे। तो चलो ट्राई करते हैं कि 1 लीटर फ्यूल जो है इसमें लगता है या नहीं। तो डालते हैं इसमें फ्यूल, ये रही अपनी फ्यूल की बोतल, और शायद क्योंकि यार अभी तक बहुत कम इसमें जो है फ्यूल डला है, चलो कोशिश करते हैं जितना डलेगा फिर बाकी देखते हैं कि भाई कितना कर इसमें। ये देख रहे हैं आप, तो इस तरह से भाई जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने जो है फ्यूल इसमें डालना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो भाई मतलब धीरे धीरे भाई बोतल पूरा चूस रहा है ये टैंक देखो। तो वाह, मेरे को लग रहा था भाई फ्यूल अभी तक नहीं है, पर यार देखो मतलब कि भाई ये देखो 1 लीटर बोतल खाली हो गई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं निशान की, मतलब यही 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क होगा, बाकी उसी निशान पे जो है मतलब ये ऑयल पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने किलोमीटर में जो है 1 लीटर बाइक ने एवरेज दी है थर्ड सर्विस के बाद, ठीक है। तो इसको पहले हम स्टैंड लगा देते हैं और इस बोतल को भाई कहीं यहाँ पे साइड रख दिया बोतल को, और इसको हम ये देखो इसको भाई बंद कर दिया, और अब देखते हैं कि कितना किलोमीटर जो है बाइक चली है। सो हम निकालते हैं दूसरा फ़ोन। तो दूसरे फ़ोन में भाई मैंने फ़ोटो ली थी कि कितना किलोमीटर जो है अपनी बाइक चली थी। सो इसको चेक करने के लिए करते हैं, सिक्स नाइन टू फोर पे फोटो ली थी ना,
तो अभी बाइक चली है अपनी कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। तो अभी चली है हमारी 6955, इससे हम माइनस करेंगे 6924, 6924, तो भाई 31 किलोमीटर। और अभी तक इसमें थोड़ा सा फ्यूल जो मैंने आपको निशान बताया था उससे ज़्यादा ही है, तो 3 किलोमीटर और रख लो तो 31, 32, 33, 34, मतलब यही है भाई 34-35 की एवरेज भाई हिमाचल में दे दे रही है थर्ड सर्विस के बाद। और ये देखो यहाँ से ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है, और मतलब 32 से 35 के बीच, 35 मतलब मेरा मानना है कि भाई 35 की एवरेज पहाड़ों में 60-70 की स्पीड रहने पे ये बाइक दे दे रही है। मतलब भाई यही था इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑल प्रेस करें, ताकि भाई जब भी मैं नई वीडियो की अपडेट डालता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। सो गाइज़ मिलते हैं बड़ी जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।